देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नगर पंचायत बेनीगंज को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आज इस नगर पंचायत के लोग जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जल जमाव की समस्या से जूझ रहे। पंचायत के कुर्सी सड़क मार्ग निवासियों ने मीडिया को सुनाया अपना दर्द। नगर पंचायत में जल जमाव तथा जल निकासी की समस्या से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। पिछले लगभग कई वर्षों से लगातार समुचित जल निकासी की व्यवस्था न होने और नालों की साफ सफाई नहीं होने से लोगों के घरों तक गंदा पानी बरसात के मौसम में पहुँच रहा है। कभी कदार सड़कों पर भी लबालब पानी भरा रहता है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी असुविधा होती है। नाले की साफ सफाई न होने से बरसात के मौसम में हल्की बारिश होने पर भी नालियों का गंदा पानी सड़कों के ऊपर बहने लगता है और लोगों के दरवाजे तक पहुंच जाता है। गंदा पानी पहुंचने से जहां दुर्गंध से लोगों को रहना मुश्किल हो जाता है, वहीं कोविड-19 के दृष्टिगत संक्रमक बीमारियां फैलने का भी लोगों के अंदर भय बना रहता है। मामले संबंधी फोन वार्ता के दौरान अधिशासी अधिकारी महेश प्रताप श्रीवास्तव ने बताया कि कुर्सी रोड पर कुछ टिम्बर स्टोर संचालित किए जा रहे हैं, जिनका सामान बड़ी गाड़ियों में लोड होकर निकलता है, जिसके चलते नाली नालों पर पड़े पत्थर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से नालों की सफाई नहीं हो पा रही है। ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुर्सी सड़क मार्ग पर संचालित वर्मा टिम्बर स्टोर एवं रजी टिम्बर स्टोर आदि के संचालकों ने बताया कि नालों की सफाई वर्षों से नहीं हुई, हम सभी के छोटे कारोबार हैं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।